Hey everybody, welcome back. I hope you all are doing well. So today I'll be giving you the difference between, or I'll be explaining you the difference between centripetal force and centrifugal force, right? So centripetal force समझने की कोशिश करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये एक सर्कुलर मोशन में घूमता है ऐसे, है ना, तो ये जब इरेजर जो है वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो अगर मैं इस मोशन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूँ तो क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना विद द टाइम. विच मीन्स दैट सिंस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसमें एसेलरेशन आया, एसेलरेशन आया तो फोर्स आया, है ना. तो वो फोर्स क्या कर रहा है, वेलोसिटी को हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, राइट. सो दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड एंड दैट इज कॉल्ड द सेंटीपीटल फोर्स, एंड इन दिस केस इट इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. देन वॉट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली अ सूडो फोर्स. तो क्या होता है, जब भी हम किसी एसेलरेटिंग फ्रेम में जाके मोशन को एनालाइज करते हैं, टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स विच इज कॉल्ड द स्यूडो फोर्स. और वो स्यूडो फोर्स कैसे लगता है, जो मास है ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लाइड बाय द एसेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट. सो दिस इरेजर इज इन एसेलरेशन बिकॉज इट इज अ सेंटीपिटल एसेलरेशन, राइट. अगर मैं इस इरेजर पे जाके बैठ गया तो क्या होगा, ये इरेजर तो रेस्ट पे आ जाएगा. कभी भी हम किसी फ्रेम पे जाके बैठते हैं तो वो फ्रेम रेस्ट पे आ जाता है. अगर ये इरेजर रेस्ट पे है बट हमको पता है यहाँ पे टेंशन का फोर्स है, इसका मतलब है कि इसको बैलेंस करता हुआ एक और फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, दैट इज दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो रिमेंबर दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन दी एसेलरेटिंग फ्रेम, राइट, एंड सेंट्रीपिटल इज विद रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड.